ईसा मसीह के प्रति सम्मान मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान के खामेनेई ने पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह की आलोचना की। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने पेरिस 2024 ओलंपिक उद्घाटन समारोह के दौरान पवित्र व्यक्तियों के चित्रण पर कड़ी असहमति व्यक्त की है। यह प्रतिक्रिया पेरिस 2024 आयोजन समिति द्वारा कैथोलिक और अन्य मसीह समूहों से माफी मांगने के बाद आई है, जो उद्घाटन समारोह में एक दृश्य से नाराज थे। लियोनार्डो डा विंची के द लास्ट सफर की याद दिलाने वाले इस प्रदर्शन में ड्रैग क्वीन, एक ट्रांसजेंडर मॉडल और शराब के ग्रीक देवता के रूप में एक गायक को दिखाया गया था। खामेनेई ने एक्स से कहा, यीशु मसीह के प्रति सम्मान मुसलमानों के लिए एक निर्विवाद निश्चित मामला है। हम ईसा मसीह सहित दिव्य धर्मों के पवित्र व्यक्तियों के प्रति किए गए इन अपमानों की निंदा करते हैं। आयोजकों के ट्विटर पर दिए गए बयान के अनुसार, चित्रण की व्याख्या का उद्देश्य मानवों के बीच हिंसा की मूर्खता के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इच्छित संदेश के बावजूद इस प्रदर्शन ने कैथोलिक, ईसाई समूहों और रूढ़िवादी राजनेताओं के बीच वैश्विक आक्रोश को जन्म दिया। पेरिस 2024 के प्रवक्ता एनी डेस्कैम्प्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवाद को संबोधित करते हुए कहा, स्पष्ट रूप से किसी भी धार्मिक समूह के प्रति अनादर दिखाने का कभी इरादा नहीं था। उद्घाटन समारोह ने सामुदायिक सहिष्णुता का जश्न मनाने की कोशिश की। अगर लोगों ने कोई अपराध किया है तो हमें वास्तव में खेद है। फ्रांस में कैथोलिक चर्च ने इसे ईसाई धर्म का उपहास और मजाक उड़ाने वाले दृश्य के रूप में आलोचना की।